जी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल आशीष आयुर्वेदिक सेंटर पर। दोस्तों माफ़ी चाहते हैं, काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो अपडेट नहीं कर पाए। आजकल पेशेंट्स का रश होता है तो टाइम भी नहीं मिल पाता। तो वैसे भी जो मैं वही वीडियो डालता हूँ जो मैं खुद यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है तुर्सी तियाबियत, यानी कि बदहजमी, खट्टी डकारें, तियाब बनना, पेट में वायु गोला, पेट में गैस बनना, शरीर के अंदर खट्टे पदार्थ का जो मात्रा है ज़्यादा बन जाना। तो सभी के ऊपर ये आज का जो नुस्खा है हमारा अक्सीर है। अगर आपने ये नुस्खा बनाकर खा लिया या अपने पेशेंट्स को दिया या फिर खुद पेशेंट इसको लेके बना के खा ले तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी किसी पेट के लिए कोई दवाई खानी पड़ेगी। दोस्तों आजकल जितनी भी बीमारियां बढ़ रही हैं सारी की सारी पेट की वजह से बढ़ रही हैं। अगर आपका पेट सही है तो वैसे भी आपको कोई बीमारी कभी लगती नहीं है। अगर आपका पेट सही नहीं है, कब्ज है, बदहजमी है, गैस है, या फिर आपका मान के चलो पेट की कोई भी समस्या है, तो आपको बार बार छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका पेट सही है तो कभी भी आपको किसी डॉक्टर के पास तो जाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि पेट सही है तो कोई बीमारी लगती नहीं है। सारी की सारी बीमारियों का जो जड़ है हमारा पेट है, हमारी कब्ज है। अगर पेट साफ नहीं होता तो बहुत सारे जो अमराज हैं, बहुत सारे रोग हैं वो पैदा होते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो को ध्यान से देखें और इसको बनाकर इस्तेमाल करें तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे। तो पहले जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए गए बेल का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली और वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। तो आइए नुस्खा का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके घटक हैं बहुत ही चुनिंदा हैं, बहुत ही चुन चुन के इसका जो फार्मूलेशन तैयार किया गया है तो इसको बनाएं और इस्तेमाल ज़रूर करें। सबसे पहले यहाँ पर हमने ये ली है हरड़, जो हमारी जंग हरड़ होती है छोटे वाली काली हरड़, उसको देसी घी में हल्का सा बरिया किया है, ब्राउन किया है। उसके बाद ये नमक है, ये सेंधा नमक जो बाज़ार में सेंधे नमक के नाम से मिल जाता है, ये इसकी मात्रा भी मैं बताता जाऊँ, ये 100 ग्राम है। ये जो सेंधा नमक है ये 100 ग्राम है। इसके बाद ये काला नमक है, ये भी 100 ग्राम है। ये सौंठ सूखा हुआ अदरक, ये भी 100 ग्राम है। ये नुसादर है, ठिकरी नुसादर, ये भी 100 ग्राम है। उसके बाद ये बाइबडिंग है। बाइबडिंग दोस्तों पेट के अंदर बहुत सारी बीमारियों पे काम करती है। जितने भी आपके अगर पेट में किसी तरह के वर्म है, कीड़े हैं, वर्म्स हैं, तो ये उसके ऊपर बहुत बढ़िया काम करती है। इसके अलावा ये अंतों को साफ करती है, कब्ज के ऊपर भी बढ़िया काम करती है और जितने भी आपके पेट के अंदर किसी तरह की सूजन है उसको कम करने में बहुत मददगार होती है। इसके बाद ये नरक चूर है, ये खट्टी डकारों के लिए, तियाब कियत के लिए बहुत ही बढ़िया है, ये भी 100 ग्राम है। ये हरड़े काबली, यानी कि काबली हरड़, ये भी 100 ग्राम है। ये इसके अंदर शायद दिख नहीं रहा, ये टंकन, ये सुहागा है फूला हुआ, ये भी 100 ग्राम है। तो ये सब 100-100 ग्राम। उसके बाद ये काली मरच, ये भी 100 ग्राम। ये है हमारा जो हरड़, आम हरड़, जो पीली हरड़ बड़े वाली, उसका छिलका है, ये भी 100 ग्राम। तो ये सारी की सारी जितनी भी हमने ये औषधियाँ ली हैं ये सारी की सारी सम वजन है, 100 ग्राम है। इसको अच्छी तरह अलग अलग कूट के, कपड़ छान करके, किसी बड़े पात्र में मिला के, इसको पानी का छिट्टा देके तो इसकी गोलियाँ तैयार करनी है जितनी आपकी बड़े चने। तो इसकी जो गोली आपने तैयार करनी है बड़े चने के बराबर इसकी गोली तैयार करनी है। सुबह खाली पेट, सॉरी, खाने के बाद एक गोली और फिर शाम के खाने के बाद दो गोली, नहीं तो सिर्फ रात को सोने के टाइम चार गोली एक साथ ले सकते हैं। थोड़ी हल्की दबाकर दंतों से, चबाकर हल्की दांतों से, तो उसके ऊपर से गुनगुना पानी पी लें तो देखेंगे आपकी जितनी भी पेट की प्रॉब्लम है, आपको कब्ज है, बदहजमी है पेट में, तो सभी के जितनी भी आपकी पेट की समस्या है सभी के ऊपर इसका बहुत बढ़िया जो कार्य है। तो इसको बना करके इसको ऐसे स्कूप में मत रखना, ये थोड़ी देर में थोड़ा गीला सा होना शुरू हो जाता है, इसकी गोली ही कामयाब है। इसको गोली बना करके छोटी बटी बना कर रखें और इसको आप जितने भी आपके पास पेशेंट आते हैं सभी को आप जो भी इलाज कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, ये गोली आपके साथ जरूर देना है। ये एक गोली सुबह एक शाम अगर पेशेंट को दो टाइम देते रहेंगे तो आपकी गोली जो जो आपकी मेडिसिन है उसकी जो रिजल्ट है 100% बढ़ जाएंगे
और पेट भी अच्छा, जिसका पेट अच्छा है आपको पता है उसको आपकी मेडिसिन भी बढ़िया काम करेगी। तो जितने भी आपके रूटीन के पेशेंट हैं सभी को ये आप अपना मामूली मतलब बना लें कि सभी को ये गोली एक सुबह एक शाम, अगर पेशेंट की ज़्यादा प्रॉब्लम है पेट की तो एक गोली दो शाम को देना ही देना है। और आपको कोई भी पेशेंट ऐसा नहीं कहेगा कि मेरे को ये आपकी दवाई ने काम नहीं किया, 100% रिजल्ट मिलेंगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हम अच्छी वीडियो लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। ओके, थैंक यू।